हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो है ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म का सेकंड लेक्चर है। हम फर्स्ट लेक्चर में इनडिटरमिनेंट फॉर्म का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसमें कुछ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे कि जिसको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी ये दिया होगा स्पेशल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इनडिटरमिनेंट फॉर्म का वो है 0/0 फॉर्म का। अब हम कैसे क्वेश्चन को जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या अप्रोच करेंगे हम कि यहाँ क्वेश्चन गिवन अ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये टेंस टू जीरो, इसको हम एक्स इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे, ये टेंस टू जीरो मतलब एक्स जीरो के टोटली इक्वल नहीं है, मतलब जस्ट इक्वल हो रहा है। जैसे कि कोई ग्राफ होता है, यहाँ पे ये ग्राफ है तो ये बस टच किया नहीं है, मतलब हल्का हल्का टच करने वाला है, टच किया नहीं है टोटली, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा तो ये इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगा। एक्स एक्स मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसको जो पहला स्टेप हम पहला अप्रोच क्या करेंगे कि हम जो एक्स टेंस टू जीरो है तो हम जो क्वेश्चन में यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम पहले जीरो पुट करेंगे। तो लाइक हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ई की पावर जीरो समथिंग, कुछ भी समथिंग की पावर जीरो मतलब एक्स की पावर जीरो या कुछ कोई भी चीज़ की पावर जब जीरो होती है तो उसको हम वन लिखते हैं। तो ई की पावर जीरो ये हो गया वन माइनस, अब यहाँ पे क्या है ई की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा e की पावर माइनस एक्स है। तो अब e की पावर माइनस एक्स है तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर एक्स। हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर जीरो वन बनेगा और ये बन जाएगा वन अपॉन वन, तो वन की इक्वल होगा वन माइनस वन अपॉन साइन एक्स। अब हम इस यहाँ पर जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन एक्स साइन जीरो मतलब कि साइन एक्स हम जीरो पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसमें साइन की वैल्यू जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, तो साइन की वैल्यू जीरो होती है जीरो एंगल पे, जीरो पे होती है साइन एक्स की वैल्यू जीरो होती है जीरो पे। तो क्या होगा वन माइनस वन, वन माइनस वन हो गया जीरो अपॉन जीरो। तो यहाँ देख सकते हैं ये बना जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, यहाँ बन गया जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। अब जो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म को हमने स्टेप्स किए तो उसमें नेक्स्ट स्टेप था कि अगर ये जीरो अपॉन जीरो ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो हम तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को। तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन आएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स इंटू इंटू में जो इसका पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स है और एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन क्योंकि एक्स की पावर वन है और डिफरेंशिएशन का मेथड होता है कि हम जो पावर में होता है उसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू एक्स और पावर में वन माइनस करते हैं, तो वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो हो गया, वन इंटू एक्स की पावर जीरो समथिंग की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है तो वन इंटू वन हो गया तो वन हुआ। अब यहाँ पे है ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का पहले हो गया ई की पावर माइनस एक्स इंटू, अब माइनस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स का था वन तो एक्स का वन हो जाएगा और माइनस आगे ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है माइनस वन है और ये और ये वाला माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हम इसमें फिर से एक्स टेंस टू जीरो पुट करके चेक करेंगे, तो जब हम फिर से एक्स टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर माइनस जीरो अपॉन अपॉन आ गया कॉस जीरो। अब ई की पावर जीरो वन प्लस ई की पावर माइनस जीरो, यहाँ पे हमने चेक किया था यहाँ पे ई की पावर माइनस जीरो क्या होता है, ई की पावर माइनस जीरो यहाँ पे जो हम यहाँ था ई की पावर माइनस एक्स, जब हमने यहाँ जीरो पुट किया था तो क्या वैल्यू, वैल्यू आई थी वन ई की पावर माइनस एक्स की। फिर से मैं बताता हूँ कैसे आएगी, ई की पावर माइनस एक्स है इसको हम वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं और जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो वन बन जाएगा और वन अपॉन वन वन हो गया, वन अपॉन कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो ये क्या हो गया वन प्लस वन टू अपॉन वन इज इक्वल टू टू, ये टू इसका आंसर आ गया ये लिमिट का, सो इसका आंसर टू आ गया। और ये जो वैल्यू आपको अगर पता नहीं चला हो यहाँ पे वन कैसे आया तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जब कॉस जीरो
की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी 0 बाई 0 फॉर्म पे ही। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 10 3x, 10 की पावर 3 है एक्स। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम पहले जो यहाँ लिमिट होता है उसको पुट करके चेक करेंगे कि ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 0 अपॉन 10 3x है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0। ये वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक कर सकते हैं कैसे इसकी वैल्यू 0 आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साफ आपको वह वैल्यू गिवन होता है क्लियर में कि साइन की पूरा 0 डिग्री, फिर 30 45 90 60 90 वैल्यू गिवन होती है। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, तो ये बन गया 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ही हमारा 0.0 फॉर्म बनेगा हम चेक करेंगे वाले पुट करके, 0.0 फॉर्म बनेगा तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 3x है डिनोमिनेटर में, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले हम पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 × 10x, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम एक और चीज़ में कर सकते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज देखे थे, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे, उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में था कि जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन x = 1 होता है। ये हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स में पढ़ा था जो इसके पिछले वाला लेक्चर था। तो इस लिमिट्स को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हमारे सॉल्व करने के लिए। इसमें देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, इसमें भी जो कंडीशन है वो लिमिट एक्स टेंस टू 0 का ही है। तो हम इसमें करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 x - sin x अपॉन, अब यहाँ पे क्या है 10 3x है, हमें 10x अपॉन x लाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं कि 10x अपॉन होल क्यूब × x³। ये अब ये कैसे आया ये बता सक ये यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे आया कि यहाँ पे 10 का ऑलरेडी क्यूब है, 10 का पावर यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब है। अब हमें क्या है कि यहाँ पे 10x अपॉन x लाना था, तो हम यहाँ से 10x की पावर क्यूब तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में एक्स भी चाहिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x³ से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये और ये कट जाएगा और 10x³ ही दोबारा बचेगा। तो हमें कोई इसमें मतलब हमने जो ये एज्यूम किया है वो एकदम करेक्ट एज्यूम किया है। अब आगे क्या है कि हम इसमें अब लिमिट की जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, लिमिट x → 0 10x/x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हम ये हो गया लिमिट x → 0 x - sin x अपॉन, ये हो गया 1 × x³, x³ हो गया, ये हो गया x - sin x / x³, ये बचा। अब क्या है कि अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 - 0/0 sin 0 0 x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 अपॉन 0, ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट लिमिट x → 0, अब x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 - sin x का हो गया cos x अपॉन x³ का हो जाएगा 3x² डिफ्रेंशिएशन। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया, ये बन जाएगा 0 जब पुट करेंगे हम, तो ये गया 1 - cos 0, ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे हो गया 0 0, x = 0 पुट करेंगे 3 × 0 0 हो गया, तो 1 - 1 0 अपॉन 0, ये भी हो गया 0.0 फॉर्म बन गया। तो इसको हम एक बार फिर डिफ्रेंश इसको हम तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का रोल है, हम इसको कोई भी लिमिट को तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक वो, पहले तो हम उसको 0/0 फॉर्म बनाएंगे। अगर यहाँ मान लिया क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म गिवन है, अगर 0.0 फॉर्म गिवन नहीं होगा उसको पहले हम 0.0 फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको हम तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक वो 0.0 फॉर्म से हट नहीं जाए। वो जैसे ही हटेगा हम तभी ये x → 0 जो भी वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो अभी 0/0 फॉर्म है, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x → 0, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, cos x का होता है -sin x, और ये माइनस ये वाला है cos x - sin x अपॉन हो गया 6x, ये हो गया। अब क्या है, अब हम x ये प्लस हो गया, -minus प्लस। अब हम फिर से जब x → 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 अपॉन 6 × 0 0, ये फिर से 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको हम फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा लिमिट x → 0, साइन एक्स का हो जाएगा फिर से cos x अपॉन 6x का हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो क्या है,
अब यहाँ पे जब हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आ गया, कॉस जीरो होता है वन, तो यहाँ पे ये 0.0 फॉर्म से हट गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फाइनली, तो ये आ जाएगा कॉस 0 1/6, ये हो गया इसका आंसर। यही था इसमें प्रोसेस, एक बार फिर से बता देने कैसे करना है कि पहले हमें क्वेश्चन में जो होगा उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 0/0 फॉर्म में, अगर नहीं होगा तो हम आगे की वीडियोस में करेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को 0/0 फॉर्म में। जैसे कि आपको अभी उसमें जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें 1 की पावर इन्फिनिटी भी था, तो इसको हम पहले 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम जैसे यहाँ डिफ्रेंशिएट किए वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे हर एक प्रोसेस को, उसके बाद फिर तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म से हट ना जाए। यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म से हट गया, तो जैसे ही हटेगा हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इंडिटर्मिनेट फॉर्म का 0/0 फॉर्म कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे लिमिट्स की वैल्यू निकालते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।